हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिस्टिक सेलेस में। फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे कि आप दोस्तों अपना लर्नर लाइसेंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका लर्नर लाइसेंस बन गया है और आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप या पीसी से दोस्तों, तो उसको आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, इस टॉपिक पर हम आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम बढ़ते अपनी वीडियो में। आपको अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन या अपने पीसी में गूगल को ओपन कर लेना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है लर्नर लाइसेंस डाउनलोड। दोस्तों, आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की लिंक आएगी। आपको पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे लर्नर लाइसेंस परिवहन सेवा, इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज के नीचे यहाँ पर आएंगे दोस्तों, और इसके नीचे ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस लर्नर लाइसेंस वाले टैब में दोस्तों, इसके नीचे आप आएंगे यहाँ पर प्रिंट लर्नर लाइसेंस फार्म नंबर 3 दोस्तों, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसको डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप जैसे ही इस वेबसाइट को ओपन करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप मोड का दोस्तों, आप उसको सिर्फ इनेबल कर देंगे और आपके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों ये वेबसाइट एकदम जैसे पीसी के जैसे काम करना शुरू कर देगी। दोस्तों, उसको इनेबल करने के बाद अब आपको इस तरह का डैशबोर्ड आएगा और यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, आपको अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों। एप्लीकेशन नंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लाइसेंस नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के जरिए दोस्तों आप अपना लर्नर लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर भी होगा, आपका मैसेज भी आया होगा दोस्तों, तो उसमें आपका लाइसेंस नंबर भी होगा और आपका मोबाइल नंबर भी होगा दोस्तों। आप दोस्तों जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपको उसकी डिटेल वहां पे फिल करनी है, तब जो है आपको आपका लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैं अपना लाइसेंस नंबर से डाउनलोड करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लाइसेंस नंबर वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इस पर टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लाइसेंस नंबर वाले सेक्शन में आएंगे हम, यहाँ पर अपना लाइसेंस नंबर फिल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे OTP सेंड टू, ये जो आपका दोस्तों मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड कर दी जाएगी। आप यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप इंटर OTP नंबर के ऑप्शन में आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP रिसीव होगी दोस्तों, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करके जस्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। OTP फिल करने के बाद दोस्तों, आप जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका लर्नर लाइसेंस दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप अपनी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लाइसेंस नंबर, एंड यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों, आप अपना लर्नर लाइसेंस प्रिंट करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी हमारी वीडियो दोस्तों? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।